कोरोना काल में जहां कई निजी अस्पतालों पर आरोप लगे हैं कि वे इस आपदा में अवसर बनाते हुए बीमारी और बीमारों को कमाई का जरिया बना लिया है। मध्य प्रदेश के बैतूल का एक अस्पताल कोविड मरीजों को मुफ्त इलाज कर रहा है। इस निजी अस्पताल में भर्ती किए जाने वाले मरीजों को बेड, ऑक्सीजन, दवा से लेकर इलाज तक फ्री किया जा रहा है। खास बात यह है कि अस्पताल में म्यूजिक थेरेपी से लेकर आयुर्वेदिक काढ़े तक इलाज में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बैतूल में भारत भारती में ओम स्वास्थ्य एवं शिक्षा परिषद ओम चिकित्सालय का संचालन करती है। मूलतः यह ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, जिसे समाज सेवी सोनू पाल और उनके सर्जन भतीजे डॉक्टर संदीप पाल संचालित करते हैं। कोविड की दूसरी लहर शुरू हुई तो अस्पताल प्रबंधन ने कोरोना मरीजों के इलाज का बीड़ा उठाया। प्रशासन से चर्चा कर यहां 6 अप्रैल को 60 बेड का कोविड अस्पताल शुरू किया गया। यहां 15 ऑक्सीजन बेड की सुविधा भी शुरू की गई। यहां पिछले 27 दिन में 160 से ज्यादा कोविड मरीज भर्ती किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग इस अस्पताल को ऑक्सीजन और दवाई मुहैया करवा रहा है, जिनमें 25 मरीज को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। खास बात यह है कि मरीजों को बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाता है। मरीज को बेड उपलब्ध कराना हो या फिर दवा या उपचार, सब कुछ मुफ्त होता है। अस्पताल प्रबंधन या डॉक्टर संदीप पाल की अगुवाई में आयुर्वेदिक दवाओं के अलावा एलोपैथिक मेडिसिन, म्यूजिक थेरेपी और योग से मरीजों का इलाज करते हैं। स्वस्थ होने वाले मरीजों को यहां डिस्चार्ज के समय पौधा भेंटकर अपने घर रवाना किया जाता है। डॉक्टरों और नर्सों की माने तो कोरोना में मरीज सबसे ज्यादा इस बीमारी से डरा हुआ होता है। ऐसे में उसके पारिवारिक माहौल की जरूरत होती है। उसका डर निकालकर परिवार का माहौल देना और मुफ्त इलाज करना उनका ध्येय है। प्रबंधन का मानना है कि आज जब कोरोना के इलाज में लूट मची हुई है, लोग इस आपदा को अवसर मनाकर कमाई का जरिया बनाए हुए हैं। उन्होंने पीड़ित मानवता की सेवा का बीड़ा उठाया है। इधर मरीज भी यहां से जब डिस्चार्ज होता है तो वे प्रबंधन को दुआएं देते लौटते हैं। भारतीय न्यूज के लिए बैतूल से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये जो परिस्थिति आज की जो भयाक देखी गई हमने, तो एक मन में विश्वास आया था कि हम कुछ इन मानव सेवा में हम कुछ कर सके, इसलिए हमने ऐसा सोचा, मन में ठाना और हमारे पास सब था कि हम कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए। ऐसा मन में विश्वास था तो हम आए और इस पूरे स्टाफ के साथ, हमारे डॉक्टरों की टीम के साथ हमने बीड़ा उठाया और हमने कार्य निःशुल्क करना चालू किया। नहीं, आज जहां प्राइवेट अस्पतालों पे आरोप लग रहे हैं तो बड़ी लूट खसोट कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आप इस तरह काम कर रहे हैं। जी, देखो वो क्या कर रहे हैं वो उससे हमें नहीं लेना देना। हम क्या कर रहे हैं, हम इस मानव जीवन में आए हैं तो हमें क्या करना है, और हमारा एक उद्देश्य है, हमारा खुद ही हमारी संस्था का उद्देश्य ये है कि मानव सेवा सबसे ज़्यादा ईश्वर की सेवा है, और उसी के तत्व में हमारी ये आज ही नहीं है, हमारी कॉलेज की संस्था, हमारे स्टाफ, कॉलेज, डॉक्टर लोग विद इन यहाँ 300 कैंप पहले भी लगा चुके हैं गांव गांव में और निःशुल्क करते हैं। ये हमारी भावना आज की नहीं, पहले से ही है। हम लोग लगभग 6 तारीख से, 6 अप्रैल से हमने ये हॉस्पिटल कोविड केयर के रूप में चालू किया था, CCC के रूप में, और लगभग हम लोग आज 20 या 25 दिन से लगभग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ पे 160 से 70 पेशेंट आए, जिसमें से 30 पेशेंट रिकवर होकर जा चुके हैं अभी तक एक महीने में। और 6 तारीख को, 4 या 5 तारीख को CMHO द्वारा और कलेक्टर महोदय द्वारा हमसे आवेदन किया गया कि भाई निवेदन किया गया कि हॉस्पिटल को कोविड केयर के रूप में चालू करना है, जिसके लिए उन्होंने हमसे धनराशि और बेड चार्जेस के बारे में पूछा। हमारी संस्था जो है सर्विस टू पेशेंट, है सर्विस टू गॉड को लेकर काम करती है। हमारी संस्था का मोटो है कि जो सर्विस हम मरीज को दे रहे हैं वो सर्विस हमारी गॉड के लिए, वो हम ईश्वर के लिए हमारी वो सर्विस है। इस चीज़ को लेकर हमने चालू किया था। उन्होंने हमसे पैसे के बारे में पूछा तो हमने मना कर दिया। हमने कहा अगर चलाएंगे तो इसे निःशुल्क चलाएंगे। तो माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा और CMHO तिवारी सर द्वारा हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन और बाकी चीज़ें। हमने उनसे कहा था कि स्टाफ, हॉस्पिटल हमारा ऑलरेडी 200 बेडेड हॉस्पिटल है, इसमें से हम 60 बेड चालू करेंगे, इसमें हमें मेडिसिन और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रशासन द्वारा हमें पूर्ण मदद की गई और बहुत सहयोग दे रहे हैं। तो कुछ संस्था द्वारा क्या दिखे? हमारी संस्था द्वारा यहाँ पे कुछ मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन टोटल फ्री देते हैं हम लोग। काढ़ा दिन में 3 से 4 बार इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काढ़ा दिया जाता है। योगा, म्यूजिक थेरेपी और पूरा स्टाफ निःशुल्क यहाँ पे काम कर रहा है, और शासन के द्वारा हमें ऑक्सीजन और मेडिसिन जो भी है, जो ज़रूरत पड़ती है, हम जो निवेदन करते हैं वो हमें तुरंत पहुँचा दी जाती है।
मरीजों से पैसे नहीं लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते हम लोग मरीजों से, एक रुपए भी नहीं लेते। हमारा जो लग रहा है टिफ़िन काढ़ा मेडिसिन कुछ मिलती है, कुछ नहीं भी मिलती है तो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। हमारी संस्था 70% से 80% खुद प्रोवाइड करा देती है, बाकी लाना ले जाना ऑक्सीजन सब हम ही लोग मैनेज करते हैं, पूरी संस्था द्वारा किया जाता है। जी बताइए। मेरा नाम कविता कुमरे है, मैं भीमपुर ब्लॉक से CHO हूँ। जी मैडम बताएं किस तरह से यहाँ ट्रीटमेंट होता है और क्या माहौल देते हैं आप? यहाँ पे जितने भी पेशेंट आते हैं जो कि सीरियस है नॉर्मल है जिनको एडमिट करते हैं, वो लोग पहले तो कोरोना से बहुत डरे हुए होते हैं, तो उनको सबसे पहले हम यही बोलते हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, हमें कोरोना को हराना है, उनसे लड़ाई करनी है ना, तो उनको सबसे पहले यही मोटिवेट करते हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, हमको उनसे फाइट करना है, तो उनको पहले उनका मोटिवेशन बढ़ाते हैं कि इससे डरने की चीज़ नहीं है, हमें जल्द अच्छे से ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनसे हम जितना मेडिकेशन है अपने मन को सकारात्मक सोचेंगे, स्वस्थ बनाएंगे, मेडिकेशन बराबर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि पैनिक की वजह से बहुत ज़्यादा ये इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं ऑक्सीजन? ज़्यादा तो लोग डर जाते हैं कोरोना से, इसी वजह से वो लोग ज़्यादा सीरियस होने लगते हैं, तो हमको सबसे पहले तो कोरोना से डरना नहीं है, हमें प्रॉपर मास्क लगाना है, दूरी बना के रखना है, प्रॉपर दवाइयाँ और अच्छी सोच रखना है, प्रॉपर डाइट लेना है, इससे अच्छे से पूरा गर्म पानी पीना है, पूरा पारिवारिक माहौल प्यार उनको पूरा मिलता है तो ठीक होते हैं पेशेंट, इसलिए कोरोना से डरना नहीं है अपने को। 8 तारीख को मैंने वैक्सीन लगाई, वैक्सीन लगाने के 8-8 दिन बाद में मुझे हाथ पैर के जोड़ों में दर्द चालू होने के बाद में सांस में तकलीफ होने लगी, उसके बाद मुझे मेरे डॉक्टर से सलाह ली और मुझे डॉक्टर ने मुझे यहाँ रवाना कर दिया। कोरोना हो गया था शायद? हाँ। मेरे को तो यहीं की जानकारी दी, वालों को दी होगी। हाँ। डॉक्टर साहब से आके मिले, उन्होंने मेरे को एडमिट कराया। हाँ। वहाँ से उस दिन से आज तक मैं 4 तारीख के यहाँ एडमिट था। आज मुझे स्वस्थ अच्छा लग रहा स्वास्थ्य। कैसी सेवा रही यहाँ पर? यहाँ की जो डॉक्टर साहब ने सेवा दी, नर्सों लोगों ने सेवा दी, एक अपने परिवार के सदस्य जैसे इन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी सेवा दी है। कितना पैसा लगा इलाज में यहाँ पर? मुझे तो 1 रुपया नहीं लगा, डॉक्टर साहब ने अलग से कह दिया होगा तो मुझे नहीं मान, लेकिन मेरे नज़र में ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरे से 1 रुपया मांगा, अभी लगेगा तो बोले मेरे से ले ले। फ्री इलाज हुआ? फ्री इलाज हुआ। दूसरे अस्पतालों की तुलना में? हाँ, दूसरे अस्पतालों की तुलना में फ्री इलाज हुआ, कोई वो नहीं। Subscribe now to most exciting channel ever.